अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी नंबर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। आज मैं फैसल टाउन के हेड ऑफिस में मौजूद हूं और जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो फैसल टाउन ZM इंटरनेशनल के ओनर हैं और पाकिस्तान के अंदर माने जाने रियल स्टेट डेवलपर हैं, फैसल हिल्स, फैसल टाउन और इस तरह पाकिस्तान और खसूस इस्लामाबाद के अंदर बेहतरीन रियल स्टेट प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल फैसल हिल, फैसल टाउन और इनके आने वाले नए प्रोजेक्ट के हवाले से करने जा रहे हैं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना खसूसी टाइम दिया। और चौधरी साहब वैसे इंटरव्यू बहुत कम रिकॉर्ड करवाते हैं लेकिन इनकी बड़ी मेहरबानी है कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया। मेरा चौधरी साहब सबसे पहला सवाल यह है कि आज फैसल टाउन के अंदर या खसूसन आजकल फैसल हिल के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट का बड़ा शौक रख रहे हैं, फैसल हिल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज जो बंदा फैसल हिल के अंदर 50 लाख रुपया लगा रहा है, आप उसको साल बाद, डेढ़ साल बाद कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इस्माइल साहब। फैसल टाउन जो है ये एक पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक ब्रांड नेम माना जाता है और हम जो हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाते हैं या हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं ये एक बहुत जज्बे के तहत बनाते हैं और जिसमें हमारा खिदमत खलक और अपने मुल्क और अपने रियासत के लिए हम काम करते हैं। तो जो हम आपको पता है जब भी कोई स्कीम अनाउंस करते हैं तो वो बड़ी कम प्राइस के ऊपर करते हैं। जैसे हमारा फैसल हिल था, इसको हमने बहुत थोड़ी सी प्राइस के ऊपर लॉन्च किया था तो माशाल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, हर तरह की प्रॉपर्टी में कमाया। तो जो आपका सवाल है कि अगर आज कोई 50 लाख रुपया लगाएगा तो हमारा अमूमन जो सर्कुलेशन होती है 1 से 1.25 साल में वो डबल रकम हो जाती है। तो जो आज जिसने 50 लाख रुपया फैसल हिल में लगाना है उसने अगले साल के एंड तक उसको डबल करता है। इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाएं तो डबल ट्रिपल नहीं होता। यह है कि हमारा पैसा भी डबल होता है और जो हमारा इन्वेस्टर है, हमारा जो मेंबर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो भी सुकून की नींद सोता है कि हमने जिस जगह पे पैसा लगाया है वहाँ रिस्क भी नहीं है और हमारा पैसा भी डबल होगा और हम सुकून की नींद भी सोएंगे। सर, क्या फैसल हिल में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे और पैसे मुकम्मल कर चुके हैं क्या उन सबको 100% तैयार प्लॉट मिल चुका है? माशाल्लाह जी, 100% जिन्होंने जिन लोगों ने हमें पूरी पेमेंट दी है हम सबको पोजेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा बेशुमार वहाँ पे प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। अगर किसी मेंबर का भी कोई डिस्प्यूट है या किसी को कोई पैसों का इशू है या उनको कब्जा भी नहीं मिला वो हमसे फौरी तौर पर रब्ता करें और हम 24-48 घंटे में उनको कब्जा दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर, जैसे कि हमने भी एक रिस्क लिया और फैसल हिल्स के ऊपर एतमाद, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का ज़ुहैर मजीद साहब ने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और हम कमर्शियल प्रोजेक्ट फैसल हिल में करने जा रहे हैं। इस तरह आपके साथ बहुत सारे डेवलपर्स और आने वाले लोग एसोसिएटेड हैं, प्रोजेक्ट में आबादी आने के बाद कमर्शियल प्रोजेक्ट आबाद की कामयाब होता है बेसिकली, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इसको आप कब तक आबाद समझ रहे हैं, कब तक आप इसमें आबादी लेके आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट? आप देखें जी, माशाल्लाह अगर हम लाहौर की आप बात करें, आप इस्लामाबाद की बिलू एरिए की बात करें या आप F11 के सामने जो E11 है जो के साथ भी है मुंसलिक वहाँ करें तो हमारे पास पाकिस्तान के और भी मैं बहुत जगह पे आपको आप लोकेट कर सकता हूँ, हमारी बहुत खूबसूरत और प्राइम प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने उन प्रॉपर्टी को छोड़ के फैसल हिल में फैसल ज्यूल के नाम पे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है जिसमें 5 फ्लोर माल के भी हैं और नीचे 4 फ्लोर पार्किंग के भी हैं और ऊपर 22-23 फ्लोर जो है वो अपार्टमेंट के और 1 4-स्टार होटल भी है और वो 2.5 एकड़ का प्लॉट है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आदमी किसी डेड प्रोजेक्ट में नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर आजकल जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है स्टील की है, सीमेंट रेत बजरी की है, वो अरबों रुपए में है। आजकल करोड़ों की गेम नहीं है बड़ी बिल्डिंग बनाना, तो इतना पैसा आप इतने बड़े रिस्क के ऊपर नहीं लगा सकते और जबकि आपने बुकिंग भी ना की हो। आपको पता है फैसल ज्यूल की सारी एक्सिबिशन हो चुकी है, उसकी सारी पाइलिंग मुकम्मल हो चुकी है, आज का उसकी लीन हो चुकी है, अब उसकी हम राफ्ट, रेनी सीजन ख़त्म हो गया अब हम राफ्ट डाल रहे हैं। तो इतना पैसा जो है एक कंपनी जो मास्टर कंपनी है वो अपने पास से नहीं लगाती बगैर सेल किए, तो हमने उसमें से एक फ्लैट, एक शॉप, कोई चीज़ सेल नहीं की। तो जब इतने अरब रुपए का प्रोजेक्ट और इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम खुद बना रहे हैं और हमारे साथ 20 कनाल का प्लॉट शाह साहब जो रेडसन के ओनर हैं वो बना रहे हैं और उसके साथ 20 कनाल का प्लॉट तनवीर एसोसिएट जो तनवीर शाह साहब जो तनवीर एसोसिएट के मालिक है वो बना रहे हैं।
तो इतना ज़्यादा जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, और फिर आपको पता है वहाँ हम एक आर्च बना रहे हैं जो पेरिस में शांज़ेलीज़े की, हाँ उस आर्च के ऊपर आपको पता है वो जो लैंड हमने उसको 4 एकड़ के करीब लैंड है और उसके ऊपर जो पैसा लग रहा है उसके साथ जो मस्जिद भी बन रही है, हाँ वो 1 बिलियन का वो भी प्रोजेक्ट है। तो इतना जो पैसा हम लगा रहे हैं वो कोई आम एक छोटे से प्रोजेक्ट में नहीं लगा रहे। और फैसल हिल जो है ये माशाल्लाह आज के दिन में भी कोई 35 से 40 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है, और इसमें अभी कई ब्लॉकों की एक्सटेंशन आनी है, बल्कि उसमें कई फेज़ भी नए एडअप होने हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख कनाल को ये क्रॉस कर जाएगा। और आबादी और ये वो प्रोजेक्ट है जो जिसकी ज़मीन हम वो उस लैंड को क्लेम करते हैं जो ज़मीन हमारे नाम पे होती है। और आबादी का वहाँ ये है कि वो मरगला हिल इस्लामाबाद के साथ एडजेसेंट प्रोजेक्ट है, मरगला हिल में और हमारे प्रोजेक्ट में 1 फुट का भी फासला नहीं है। एक तरफ जीटी रोड है, एक तरफ उसके मोटरवे है, और अगर आप इस्लामाबाद टैक्सला वाह हरिपुर ये आबादी लगाएं तो 14-15 लाख की आबादी के वो ऊपर है। तो आबादी का तो वहाँ इंशाल्लाह ताला इशू कोई नहीं है, वो 1.5 से 2 साल में आप देखेंगे फैसल हिल फुली आबाद हो जाएगा। फैसल टाउन इंतज़ामिया ने, फैसल इंतज़ामी ने 10 लाख रुपया हर घर बनाने का एक ऐलान भी किया था, क्या वाकई में लोगों को 10 लाख इनाम मिल रहा है जो जो बना रहे हैं? इनाम नहीं है जी, बल्कि वो आप कहें कि आपको पता है मुल्क में अचानक कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत बढ़ गई, तो हमने आपको जैसे मैंने पहले ओपनिंग में कहा कि हम खलक के जज्बे के तहत काम करते हैं, तो हमने वहाँ पर सोचा कि यार ये जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो हमारे मेंबर हैं जब वो इतना पैसा लगाएंगे तो अचानक कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ गई है, तो हमने स्टेप फॉरवर्ड किया और हमने अपनी कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपया कहा कि जो भी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करेगा हम उसको 10 लाख रुपया कैश देंगे। अभी तक जिन जिन लोगों ने मुकम्मल किया है और उसमें कोई नोटिस पीरियड नहीं है, वो मुकम्मल करें आज एप्लीकेशन लेकर आए, शाम को अपना चेक लेकर जाए, तो माशाल्लाह उससे आप देखेंगे कि ये फैसल हिल में कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। फिर आपको पता है रूट स्कूल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो फैसल हिल की जो रूट स्कूल की ब्रांच होगी, मैं अल्लाह मियाँ की रहमत से वो मेहरबानी से क्लेम कर सकता हूँ कि वो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत रूट स्कूल जो है, और वो होगा उसके ऊपर तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा पैसा हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, 1 अरब रुपए से ज्यादा एक बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है कि हम उसको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। और इसी तरह वहाँ आप देखें फुटबॉल ग्राउंड कितने हैं, क्रिकेट ग्राउंड कितने हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, 300-300 कनाल का पार्क है, हालांकि हमारी स्कीम के साथ 8,000 कनाल जमीन गवर्नमेंट का जो मरगला हिल है वो उसकी लैंड हमारे साथ मौजूद है, तो इसके बावजूद हमने ग्रीन एरिया जो हैं वो बड़े छोड़े हैं। और दूसरा असल जो आगे स्कीमों ने आबाद होना है पाकिस्तान में वो होना है पानी के ऊपर, हमारी जो स्कीमें हैं उसमें सस्टेनेबल वाटर सोर्स जो है वो मौजूद है। तो हम अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि हमारी जो स्कीम फैसले ले जो पानी पे तैरती हुई स्कीम है, और आप देखें वहाँ ट्यूबवेल कितने लगे, आप किसी स्कीम में जाएंगे ट्यूबवेल नहीं लगा होगा, ट्यूबवेल इसलिए नहीं लगा होगा कि वहाँ पानी नहीं होगा, तो हमारी स्कीम में ट्यूबवेल लगे हैं और ट्यूबवेल इसलिए लगे हैं कि पानी है, तो आप जाकर चेक करें। तो माशाल्लाह ना सिर्फ वो एक खूबसूरत स्कीम है, उसकी प्लानिंग इंटरनेशनल डिज़ाइन के ऊपर हुई हुई है, तो वो वहाँ पे एक घर बनाना ये एक ख्वाब वाली बात है, तो माशाल्लाह जो हम कम पैसों में एक क्वालिटी लिविंग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर, ये बताएं कि जो एक्सेस है मरगला एवेन्यू का वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, कल भी हमने विजिट किया और उसके वाले से हमने फैसल हिल और उसकी वीडियोस भी बनाई, दरमियान में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला है, आपको क्या लगता है कि इस फैसल प्रोजेक्ट को इस एवेन्यू के खुलने से कितना फ़ायदा होगा? देखिए मरगला एवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हमने कभी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्टों के ऊपर बेस करके कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की, कभी अपनी इन्वेंट्री फरोख्त नहीं की, कभी लोगों के साथ ये नहीं कहा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फलां रो एवेन्यू के करीब है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मरगला एवेन्यू जो है वो फैसल हिल के साथ आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे साफ़दार अगर मैं कहूँ कि उसका इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, डबल ट्रिपल प्राइस में इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट का मनसूबा है, वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक बना रहे हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो जल्द कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत होगा। इफेक्ट इंशाल्लाह। चलिए सर, फैसल हिल जो है एक तरफ जीटी रोड है, एक तरफ मोटरवे है, जैसे कि आज आपका
एक रोड मेन एक्सेस है जीटी रोड से, क्या फ्यूचर में मेम्बरान ये तवक्कु रखें कि आप मोटरवे से भी फैसल हिल को एक्सेस कर सकेंगे? आप अगर गौर से देखें जहाँ पे तीन तलवार बनी है वहाँ से हमने एक बहुत बड़ी हाईवे बना के बिल्कुल मोटरवे तक पहुँचा दी है। बिल्कुल, अब हम इंटरचेंज की जो अप्रूवल है वो उसको फाइल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला 100% आपकी जो है वो मोटरवे से एक्सेस होगी, बल्कि एक एक्सेस हम चंद दिनों में भी बनाने जा रहे हैं। क्या बात, वो भी आपको चंद माह में, 2 से 4 माह में एक एक्सेस बनेगी, और वहाँ से भी आप मेरा ख्याल 4 या 5 मिनट में आप मोटरवे के ऊपर जो है वो एंटर हो जाएंगे। लेकिन जो एक हमारी अपनी एक्सेस है होगी, लेकिन एक अल्टरनेट भी हम एक्सेस मोटरवे के लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसका एक एक्सेस जीटी रोड से होगी, इंशाल्लाह एक मोटरवे से होगी। चीज़ अब फैसल टाउन में इस टाइम हम मौजूद हैं, ये जो आपका ब्लॉक इस टाइम आपके मेन फतेह जंग रोड के ऊपर माशाल्लाह 2 इंटरसेस तैयार हो गई हैं, यहाँ के मेम्बरान क्या एक दिन ये ख्वाब सच्चा होगा कि यहाँ से हम सीधा कश्मीर हाईवे पे क्रॉस? ये तो प्रोजेक्ट ही आपको पता, हमारा कश्मीर हाईवे पे भी है, पिशावर मोटरवे पे भी है, M1 के भी है, एयरपोर्ट के ऊपर, ये तो संगम पे है, 4-5 हाईवे हमारे साथ हैं, DI खान मोटरवे हमारे 1 मिनट के फासले पे है, तो हम बेसिकली ये इस्लामाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं, तो ये तो बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, तो ये कश्मीर हाईवे से डेफिनेट टच होगा जी, क्यों नहीं होगा। आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि इंशाल्लाह अनकरीब ये ऐलान हो जाएगा। तो सब ये बताएं आने वाला नया प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ आपने 1 मिनट में हमें बताना है कि क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। नहीं, उससे पहले मैं बात करूंगा, हमारा जो फैसल सी स्क्वायर है सेक्टर B17 इस्लामाबाद, वो बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, वो कम्प्लीट है। उसके अलावा फैसल रेजिडेंशिया है, वो CDA के सेक्टर E17 में आता है, उसको हम डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि फैसल टाउन की जो इंतज़ामिया है, या मैंने इससे पहले भी आपको बताया पाकिस्तान के 7-8 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो अब ये जो 4 प्रोजेक्ट हम फैसल टाउन के अब बना रहे हैं, ये भी अपनी मिसाल आप हैं, और जो माशाल्लाह नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हमने फैसल टाउन की इंतज़ामिया ने 3 प्रोजेक्टों की बेसिकली आगे ज़मीन खरीदी हुई है। एक तो हम मार्केट में लाने की बात कर रहे हैं, जबकि लैंड हमारे पास जो है वो 3 प्रोजेक्टों के लिए अवेलेबल है, और 3 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है जो कि हमारे नाम पे है, हमने ख़रीद ली है। तो अब पहला प्रोजेक्ट उसमें से हम इंशाल्लाह ताला आज से विद इन 15 या 16 डेज के अंदर अंदर अनाउंस करने जा रहे हैं। और उस प्रोजेक्ट की 2 बड़ी खूबियाँ हैं, उसकी कास्ट कम है और प्रोजेक्ट बहुत हाई प्रोफाइल है। कि उस प्रोजेक्ट का एक तो फीचर ये है कि उसमें तमाम जो सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट अपना सीवर ड्रेन गैस बिजली वो सारी अंडरग्राउंड होगी। दूसरा होती है जो रोड वेट्स है, हमारी जो रोड वेट्स है वो 40 फुट से लेकर 270 फुट रोड के दरमियान होगी। उसकी प्लानिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ी कंपनी से हम उसकी डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, और उसकी एक्सेस हर जगह से देंगे, क्योंकि मैं अभी लोकेशन नहीं बता रहा तो इसलिए मैं उसकी एक्सेस भी नहीं बता रहा। 3-4 तरफ से उसकी एक्सेस होगी, एक तरफ से नहीं होगी, और वो इतना बताता हूँ मोटरवे और जीटी रोड के दरमियान होगा। तो खूबसूरत प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ 2-4-10 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट नहीं होगा, बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला राउंड 1 लाख वो प्रोजेक्ट होगा। और उसको प्रोजेक्ट करना मैं समझता हूँ ज्यादती होगी, आपको पता है फैसल हिल को भी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी एक शहर है, और फैसल टाउन भी एक सिटी बनेगा क्योंकि ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें भी एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन जो नया प्रोजेक्ट है उसकी तो ऑलरेडी हम 25 हज़ार कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो है वो ख़रीद चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे जो एग्रीमेंट हैं वो साइन हुए हैं, तो वो तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं माशाल्लाह। अब जो भी आगे फैसल टाउन प्रोजेक्ट लेकर आएगी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएगी, बल्कि शहर एक नए शहर आबाद हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। और उसमें यह है कि कास्ट हम उसकी जानबूझ कर, हालांकि इस वक्त मार्केट में बड़ी एस्केलेशन है, गवर्नमेंट के अपने दादो शुमार हैं कि आज के दिन में 40% से ज़्यादा महंगाई है मुल्क में, और डॉलर का रेट हालांकि अब कम हुआ है तो आज के दिन में भी 235-236 है, तो इतनी ज़्यादा हाई इन्फ्लेटेड मार्केट में काम करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पैसे नहीं लोगों से लेते, हमने वो टीमों पे लगा के उसको डिलीवर भी करना है और क्वालिटी डिलीवरेंस देनी है और विद इन द टाइम देनी है। तो उसमें हम दो काम कर रहे हैं कि उसकी कास्ट बहुत कम कर रहे हैं, जानबूझ कर काम कर रहे हैं, और दूसरा उस पर ये कर रहे हैं कि उसका
शेड्यूल बहुत बड़ा बना रहे हैं। यानी 4.5 साल मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा का शेड्यूल हम अपने मेंबरों को देने के लिए जा रहे हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा, एक दिन पहले आपको लोकेशन दिखाऊँगा, प्रोजेक्ट रेडीली अवेलेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट एक किस्म का तैयार है, हम चाहें तो 6 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में भी उसका कब्जा दे सकते हैं फास्ट ट्रैक पे अगर हम डेवलपमेंट करें, लेकिन हम उसको 2-3 साल में स्प्रेड करेंगे ताकि लीगल फार्मेलिटी भी उसकी पूरी करें और उसको हम टाइम पे पोजेशन दें। लेकिन हम अपने इन्वेस्टर के लिए, अपने मेंबर के लिए, जिसके पास थोड़ी भी सेविंग है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर उस प्रोजेक्ट में हिस्सा अपना लेना, इंटरेस्ट उनका है, वो उसमें प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बड़ी फिजिबल है। क्योंकि एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी जल्दी डबल ट्रिपल हो जाती है, दूसरा यह है कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर होगी क्योंकि लैंड हमारे पास मौजूद है। एक सिंगल प्लॉट आज के दिन में हमने उस प्रोजेक्ट का बुक नहीं किया और 25,000 कनाल के करीब लैंड हमारे पास आज साइट के ऊपर मौजूद है। तो ये एक बड़ी मेंबरों के लिए सेटिस्फैक्ट्री बात है। और फिर जिस कंपनी का प्लॉट है, उस कंपनी के जो एसेट हैं वो कितने ज़्यादा हैं, वो देखने वाली बात है। आप फैसल टाउन को डिवेल प्रोजेक्ट कहते हैं, हमारे पास अभी हाई राइज के प्लॉट मौजूद हैं, कमर्शियल प्लॉट 8-8 कनाल के मौजूद हैं, अपार्टमेंट के प्लॉट मौजूद हैं, दीगर हमारे पास इन्वेंट्री आज भी मौजूद है। तो हम इस तरह नहीं करते क्योंकि हमारा जहन और है कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है, जिन लोगों से हमने अमानतें या पैसा लिया उनको हम एज ए अमानत ट्रीट करते हैं। लोगों की अमानतें हमारे पास मौजूद हैं। ये नहीं कभी हो सका कि कोई मेंबर आज दिन तक आया हो, हमारी 30 साल मैंने इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाए हैं और अगर फैसल टाउन के 4 प्रोजेक्ट बना दें तो कुछ 14 या 13 प्रोजेक्ट बनते हैं टोटल जो मैंने डेवलप किए हैं। किसी कहा हो कि या मुझे प्लॉट दें या मुझे पैसे वापस करें और मैंने उसको कहा हो कि नहीं, चाय पीने से पहले मैं आपका मामला हल नहीं करूँगा, ऐसे नहीं हुआ। दोनों में से एक काम मैंने उसको करके भेजा है। तो इंशाल्लाह ताला यही वजह है कि फैसल टाउन ने कभी टीवी पे, कभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, अपनी कोई इन्वेंट्री बेचने के लिए कभी एडवर्टीज़मेंट नहीं दी। अब मेरे बादशाह बेटे भी हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, खासकर जुहैर मजीद मेरे साथ होता है, हाँ, तो वो लीड करने जा रहा है। तो उनकी अब ख्वाहिश होती है कि पापा छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी कलोनियाँ लोग बनाते हैं तो उसके ऊपर भी ये बड़ी एडवर्टीजमेंट, बड़ी मार्केटिंग करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? तो उनको शायद मैं थोड़ा बहुत, और उसी वजह से मैं आपको भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो भी इन्वेंट्री बेचनी होती है लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा, अगर आप कोई पूछें कि आपका सरमाया क्या है, वो सरमाया जो है जो हमारे इन्वेस्टर का हमारे ऊपर अतमाद है। तो हम अपने इन्वेस्टर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा अपने ऊपर अतमाद किया और हम कभी भी उनका अतमाद नहीं टूटने देंगे। हर चीज़ आगे पीछे ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी ये है या हमारा फोकस ये है कि हमने अपने इन्वेस्टर का अतमाद जो है इसको नहीं टूटने देना। जी सर, ये बताएं कि जो पिछले आपके साथ जो इन्वेस्टर चले उन्होंने बहुत फ़ायदा कमाया, आपने 15-15 लाख रुपये का, 14-14 लाख का प्लॉट दिया, फैसल हिल में आज 50 लाख है, नया आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो भी इतना कमाएंगे? देखिए, वो मैं पीछे जाना नहीं चाहता, लंबी बात हो जाएगी। 11-3 का हमने 2,88,000 का प्लॉट दिया था, आज वो 14 करोड़ का है। क्या बात। F-17 का हमने 80,000 रुपये का 1 कनाल का प्लॉट दिया था, आज वो 4-5 करोड़ का है। B-17 का हमने 4 लाख का प्लॉट दिया था, आज वो 3-3.5-4 करोड़ का है। क्या बात। तो ये तो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ये कोई एक दिन की या एक प्रोजेक्ट की बात है। इसके अलावा भी मैं कई प्रोजेक्ट, 11-1 हमने 17 लाख के करीब दिया था, वो भी आज 6-7 करोड़ का है। तो आप जहाँ जहाँ, अगर आप आर्चर्ड की बात करेंगे तो वो भी हमने 34 लाख रुपए का प्लॉट दिया था, वो भी 3.5-4 करोड़ का है। तो जहाँ भी आप हिस्ट्री उठाएंगे, कोई एक हिस्ट्री नहीं हमने बनाई कि जी एक जगह पे हमारी सक्सेस हुई है दूसरी जगह पे नहीं। इवन कि आप हमारा एफआर देखें कि जिसमें कुछ लीगल इशू की वजह से लेट हुआ, वो भी आज भी, वो अभी भी वो प्रॉफिट में, जबकि उसके ऊपर मैं खुद सच्ची जो बात है कि जितनी हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसमें आप हमारी कमी भी देखें, नलैकी भी देखें, और जिसका मैंने अपने इन्वेस्टर मेंबर से मादरत भी की थी और फिर हमने उनको अकोमोडेट भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसी कबाहतों को दूर करने के लिए फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई कि आइंदा कोई हमारे पार्ट के ऊपर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत एक हाई प्रोफाइल लेवल के ऊपर माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक
उसमें अपनी बरकतें जी। सर ये बताएं आपका जो करंट प्रोजेक्ट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट, क्या नया आने वाला प्रोजेक्ट इससे भी बेहतर होगा? बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी दो वजह है, एक तो इनोवेशन बहुत मार्केट में ट्रैवल हो रही है, सोशल मीडिया का दौर है, आपको कोई भी चीज़ में इनोवेशन लानी है तो आप वन क्लिक पे ला सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक किस्म की कैद है, आप घर बैठे हों, आप चाहे बेड पे बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप वन क्लिक देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है तो हमें खुद अपने भी सोचनी पड़ेगी, लेकिन जो दुनिया में इनोवेशन होती है उसके साथ चलना पड़ेगा। तो साफ ज़ाहिर है अगर हम वो चीज़ें ट्रांसलेट अपने नए प्रोजेक्टों में नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी वाइज भी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके वाइज भी। बल्कि मैं एक बात आपको बड़ी अहम बताऊँगा कि आप देखें पाकिस्तान में अभी फ्लड आया और एक वक्त था कि इस्लामाबाद में 640 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई थी एक दफ़ा। जिस दिन 640 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई थी उस वक्त भी मैं 4 प्रोजेक्ट बना चुका था, और अब जो फ्लड आया है आप देखें ना, उस वक्त हमारी किसी स्कीम में पानी आया था, आधा इस्लामाबाद उस वक्त भी डूब गया था, और इस फ्लड में हमारी किसी स्कीम के किसी प्लॉट में पानी नहीं आया। हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं वो तकरीबन 100 साल का या 50 साल का बारिश का डाटा लेते हैं, और ट्रैफिक प्लान भी हम 100 साल के ऊपर लेते हैं कि अगर हमारी स्कीम में 100 साल में इतनी गाड़ियां आएंगी तो वो कहां कहां से हम निकाल सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग कमर्शियल की कहां पे बना सकते हैं। कमर्शियल में बहुत लोड होता है, आप देखें पिंडी इस्लामाबाद में जितने कमर्शियल एरिया वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। हमने जो एरिया बनाए हैं वहाँ माशाल्लाह उतना रश नहीं है कि आप, क्योंकि हमने पार्किंग की 1, 2, 3 लेयर्स बनाई हुई हैं। तो इस तरह हम ना काफ़ी ख्याल रखते हैं चीज़ों का, जो सच्ची बात है। लेकिन एक एक जो एक से बढ़कर अगला प्रोजेक्ट आएगा वो नई इनोवेशन के साथ आएगा और नई सोच के साथ आएगा जी। सब सारे जितने डेवलपर्स हैं या नाम निहाद लोग हैं वो हमेशा पहले फाइलें बेचते हैं, फिर कोशिश करते हैं ज़मीन ख़रीद लें, या सोसाइटी बन गई ना बनी तो लोग लुट जाते हैं। आपको आपका जो स्टाइल है कि अरबों रुपया आप पहले ज़मीन ख़रीदते हैं फिर लॉन्च करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? वैसे भी प्रोजेक्ट तो बिक ही जाता है अगर आप ज़मीन ना भी लें और ना भी दिखाएं किसी को। असल में मेरी आदत है कि मैं किसी के ऊपर इस तरह तनकीद नहीं करता, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, रियल इस्टेट बिल्डर हैं या वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम मेरा ख्याल हमें जो किसी के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन हमें अपना दी बेस्ट देना चाहिए लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको हमें बहाल रखना है, ये हमारा है। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे हम अपने जो बिल्डर हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमारे जो रियल एस्टेट हैं, अपना रियल एस्टेट एजेंट हैं या जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए हम ना बहुत स्कीमें ला रहे हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं कि एक है कि आप प्लॉट ले कर बेचें, एक है आप खुद बनाएँ। फ़र्ज करें आप 50 फ्लैटों का कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप G+2, G+5 की कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसमें हम आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तावन करेंगे इंशाल्लाह। आपने जितना आगे मेंबरों को शेड्यूल देना उससे डबल शेड्यूल हम आपको थोड़ी सी कीमत लेकर देंगे, ताकि जो हमारा बिल्डर है वो अपना पैसा बिल्डिंग पर लगा के टाइम डिलीवरी करके और अच्छे कॉरिडोर, अच्छी लिफ्टों की जगह, अच्छे जो वेटिंग रूम बना के, हाँ, अच्छे आर्किटेक्ट से, अच्छे अपना इंटीरियर डिज़ाइनर कराए, तो इंशाल्लाह ताला बहुत लोग हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करने के आगे नए प्रोजेक्टों में मौके मिलेंगे। इस्लामाबाद में आपको पता है हमारे बहुत खूबसूरत, जैसे मैंने बताया, कमर्शियल प्लाट है, वहाँ हम बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और इंशाल्लाह ताला इसने हमेशा कायम रहना है, और कि हम जो हमसे हो सका, इस पाकिस्तान ने भी हमें बहुत कुछ दिया है तो हम भी इसकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी सब आखिर में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो खासतौर पर नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी जी तमाम अहले पाकिस्तानियों से और ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपकी अमानतों के अमीन हैं और आपका एक एक जो पैसा होगा वो हमारे पास अमानत है और हमने अमानत समझी है, और सबसे बढ़कर जो आप लोग मेंबर का अतमाद है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने आज दिन तक उसको किसी जाविये में नहीं तोला, किसी वेट में नहीं तोला कि जी कि इसकी ये प्राइस हो सकती है।
हमारे मेंबर का जो अतमाद है वो प्राइस लेस है, तो इंशाल्लाह ताला हमने मुकदम रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमसे फ्यूचर में भी हो सका, तो इंशाल्लाह ताला लैंडमार्क हाउसिंग प्रोजेक्ट है, हम इंशाल्लाह ताला बना के अवाम उन्नास की खिदमत में पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सवालात मैंने आज चुई सब तक पहुँचाए, और इंशाल्लाह आप इंतज़ार रखिएगा और ऐसे ही चैनल के ऊपर और हम फेसबुक के ऊपर आपके लिए नई जो अपडेट्स फैसल टाउन फैसल हिल की आ रही है आपके लिए पेश करते रहेंगे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।